तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? बहुत अच्छा लगा आपसे बहुत दिनों बाद मिलकर। वो एक्चुअली ऐसा था, मेरे टेस्ट आ गए थे तो मैं टेस्ट की वजह से वीडियो नहीं डाल पा रहा था, पर मैंने अब दोबारा से वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया है। तो सुबह ही सुबह मैंने पेड़ों में डाला पानी ताकि ये स्वस्थ रहें, और ये कुछ पेड़ों में मैंने गमलों में मैंने बीज बोए थे जो कि आने लगे हैं। ये कुछ फूल के पौधे थे जो कि काफ़ी छोटे हैं, और आपको ध्यान से दिखाई दे रहे हो तो बहुत छोटे छोटे पेड़ इसमें आ गए हैं। ये छोटा सा पौधा अनार का है और इसके अंदर थोड़ी सी तुलसी है जो कि भी आई नहीं है। फिर मैं चल देता हूँ बाज़ार कुछ सुबह सुबह सामान लेने। तो इस दुकान से मैं कुछ मसाले लेता हूँ क्योंकि मुझे आज फ्राइड राइस बनाने थे। तभी मैं घर पर देखता हूँ कि मेरे बड़े भैया यानी कि विवेक अद्वित जी आए हुए हैं, तो मैं उनके लिए नमकीन और बिस्किट लेकर आता हूँ और फिर उनके लिए चाय बनाने की तैयारी करता हूँ। मैंने डाला अदरक, फिर उसको खोला दिया तुलसी और इलायची के साथ, फिर चाय पत्ती। ये चाय उनको काफ़ी अच्छी लगी थी क्योंकि इसे बनाने में मुझे काफ़ी मेहनत लगी और मैंने इसमें अपना 100% देने का कोशिश की। फिर मैं अपने चावल के लिए काटता हूँ पनीर जो कि एक चुटकी में ही कट गया, और बाकी सब्जी काटने के बाद मैं अपने फ्राइड राइस को बनाने की तैयारी शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले मैं डाले कड़ी पत्ते थोड़े से जीरे के साथ, क्योंकि चावलों में जीरा काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, जीरा राइस। तो अभी मैं पहले चावल बॉईल करूँगा, उसके बाद हम इसे फ्राई कर देंगे। थोड़ा सा नमक और अपने चावल। तो अब मैं इधर अपनी कढ़ाई गर्म करके उसमें डालूँगा थोड़ा सा तेल। तेल के बाद, तेल को थोड़ा सा गर्म होने के बाद इसमें हम डालेंगे राई और अपनी सब्जियाँ। सब्जियों को अच्छे से पकाने के बाद इसमें डालेंगे नमक और फिर इसमें डाल देंगे अपने चावल। अपने चावल बनके रेडी हैं। मैं इसकी फुल वीडियो नहीं ले पाई पर आपके लिए इतना ही। फिर मैं जाता हूँ अपने प्लॉट में पेड़ों को देखने। तो पेड़ काफ़ी छोटे छोटे से उगने शुरू हो गए हैं क्योंकि उनको अभी काफ़ी दिन हो गया है, तो बहुत ही छोटे छोटे से पेड़ आए हैं। और आपको ध्यान से दिख रहे हैं तो अब देखिए, इसके अंदर मैंने कई वेराइटी के बीज डाल दिए थे तो कुछ ना कुछ पेड़ तो हो गई। मैंने मिर्च सब एक में ही डाल दिया था, तो मुझे काफ़ी खुशी हो रही है, मेरी मेहनत रंग ला रही है। धीरे धीरे पेड़ बड़े हो रहे हैं और ये अपने आप एक गाजर का पेड़ भी इसमें आ गया है अपने आप। ये मैंने बोया नहीं है पर चलो अपने आप आ गया है तो उसको बने रहने देते हैं। और ये मूली के पेड़ तो ऐसे बड़े हो रहे थे, दिन में दुगने रात को चौगुने, इनकी ग्रोथ तो रुकी नहीं रही थी। इनको देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा था मुझे परसों ही मूली खाने को मिल जाएगी। और फिर ये था अपना छोटा सा जमनी का पेड़ जो कि काफ़ी अब अच्छा हो गया है पहले से। फिर मैं वहाँ से लौट आता हूँ और अपनी पोखर को देखता हूँ ज़रा, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने यहाँ का व्यू नहीं देखा है। काफ़ी ठंडी हवा चल रही थी और पोखर बिल्कुल शांत थी, देखने में ऐसा लग रहा मैं किसी समुद्र के किनारे हूँ। फिर मैं जाता हूँ ट्यूशन क्योंकि पढ़ना भी ज़रूरी है, तो मैं साइकिल लेके चल देता हूँ ट्यूशन की तरफ। ट्यूशन पढ़ने के बाद फिर मैं अपने घर पर आ जाता हूँ। और घर में आके मैं सबसे पहले अपने आप को देखता हूँ कि मैं धूप से कितना काला पड़ गया हूँ। फिर ये गाय अपने टाइम के अनुसार आ जाती है, पर आज मैं इसको केला देता हूँ तो ये खाती नहीं है, पता नहीं क्यों। फिर शाम हो जाती है तो मैं अपने साथ अपने एक गली के बच्चे को लेकर अपने प्लॉट में पानी डालने के लिए जाता हूँ। उसके बाद रात हो जाती है तो मैं अपने लिए दूध लेने जाता हूँ और ब्रेड और बटर भी ले आता हूँ सुबह के लिए। फिर मैं रात को अपने चावल खा के लेट नहीं जाता हूँ कि तभी किसी का फ़ोन आ जाता है और मैं बाहर जाना पड़ता है। तो हम फिर बाहर आगरा घूम के आते हैं। हम पहले G20 देखते हैं जो काफ़ी सुंदर लग रहा था, काफ़ी मस्त सजा था आगरा। इसको देख के मेरा दिल खुश हो गया। फुटपाथ पे इतने अच्छे अच्छे पेड़ लगे थे, मन कर रहा था इसको अपने साथ ले चलूँ पर नहीं, क्योंकि अगर हम इसको साफ नहीं रखेंगे तो फिर इसका नाम खराब हो जाएगा। तो हम अपनी पूरी टीम बना के जाते हैं। हमारी टीम में होते हैं हमारे विकास भाई, विवेक भाई और रोहित भाई, साथ में अपने उपेंद्र भाई और मैं तो हुई। फिर हम चले जाते हैं आगे ताज विलास होटल की तरफ, जहाँ पे कि रोड को बिल्कुल जाम कर रखा था। फिर हमने आई लव आगरा पर सुंदर सा कॉन्सर्ट सुना जो काफ़ी अच्छा लगा मैं गाने। फिर तभी हम अचानक से देखते हैं कि TDI रोड पर G20 के मेंबर्स आ रहे हैं, तो गाड़ी पर गाड़ी का काफिला चलने लगा। SP साहब खड़े हो गए इनके स्वागत के लिए। इसको देखकर काफ़ी मज़ा आ गया, आप एक बार देखिए।
रॉबिटर सिक्योरिटी की गाड़ी ने पूरा रोड खाली कर दिया और एक टैंकर आया जो कि रोड को बिल्कुल साफ कर रहा है। फिर उसका निकला काफिला G20 वाले लोगों का, पहले गई जैकर, बाद में गाड़ी अधिकारी होगी, पीछे से आएगी बस। तो पूरी टोटल 4 बस आई थी उनके लिए। अभी अब देखिए, पहली बस अपनी गई, फिर ये दूसरी, तीसरी, चौथी और एक बस खाली, फिर एम्बुलेंस। इतने सारे वाहन उनके लिए गए थे, पीछे भी अधिकारी लगे, मतलब काफ़ी अच्छा काफिला निकला। इसको देख के मन खुश हो गया। और फिर हमने क्लिक करे कुछ अपने सुंदर से फ़ोटो जो कि आपके सामने प्रस्तुत हैं। अब फिर हम पहुंच जाते हैं आगरा की चौपाटी जो कि जोनल पार्क के बगल में अभी नई नई खुली है। इसका फर्स्ट डे था तो हमने सोचा इसका नाइट लुक ले लिया जाए। तो जो ये देखने में इतनी सुंदर थी, मैं आपको क्या बताऊं, इतनी लड़ी, इतनी लाइट, इतने फ्लावर्स मैंने कहीं और नहीं देखे। इसके अंदर हम जाते जा रहे थे, हमें उतना अच्छा लग रहा था, एंट्री भी काफ़ी अच्छी थी। उसके बाद हम अंदर गए, अंदर हमें सामने ही दिखा आगरा, बड़ा सा आगरा लिखा था, आगरा चौपाटी। तो गाइस आप भी इधर घूमने ज़रूर आइए अगर आप आगरा आ रहे हो तो। आगरा में नई खुली है, कल ही कल इसका उद्घाटन हुआ है, यानी कि ये वीडियो में एक दिन बाद एडिट करके डालना है। तो इधर लाइन लाइन से इतनी सारी दुकान थी, दुनिया का कोई भी ऐसा पकवान नहीं जो यहाँ पे ना हो। मैं इसकी झूठी तारीफ नहीं कर रहा, आप एक बार आके देखिए, आप खुद कहेंगे लाजवाब जगह है। पर मुझे तो इस पूरे में सबसे ज़्यादा सुंदर लगा इसका बाथरूम, क्योंकि बाथरूम के अंदर इतने अच्छे फ़ोटो आ रहे थे, मैं बिलीव नहीं कर सकता ये बाथरूम है, इतना साफ और प्यारा कांच, क्या वीडियो बनी भाई। हम फिर चल दिए आगे क्योंकि मैं इसको पूरा देखना था, इसकी डेकोरेशन हमारे दिल को छू रही थी, ये हमारे मन में बस गया। तो उसके बाथरूम को देखकर हम काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाते हैं, तो हम सोचते हैं चलो इसके अंदर एक वीडियो तो बनाई जाए। इसके अंदर की डेकोरेशन देख के भाई हम दंग रह गए कि ऐसा भी कोई बाथरूम हो सकता है क्या। तुम हुस्न परी तुम जाने जहां। और फिर हम वहाँ से अपने घर की तरफ चल देते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड। मतलब नहीं।